10 जुलाई 2013 की दोपहर को कुछ लोगों ने एक कार देखी जिसमें एक व्यक्ति किसी इंसान को कार के नीचे घसीटता हुआ जा रहा था जो उसे एक स्टेशन के बाहर छोड़कर चला जाता है। और जब आसपास के लोग उस खून में लथपथ व्यक्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। 10 जुलाई 2013 की दोपहर को कोवन MRT स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने एक सिल्वर टोयोटा कैमरी कार देखी जिसमें एक व्यक्ति किसी इंसान को कार के नीचे घसीटता हुआ ले जा रहा था और लगातार उसकी बॉडी से खून सड़क पर टपक रहा था। ये सब देखकर वहां मौजूद 15-20 गाड़ियों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और उस इंसान की खून में सनी बॉडी को कोवन MRT स्टेशन के बाहर छोड़कर चला जाता है। और जब उस व्यक्ति को देखा गया तो पता चला कि वो मर चुका है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और जब उस इंसान की बॉडी की जांच की गई तो उसके सिर और गर्दन पर कई निशान पाए गए। उसकी बॉडी पर चाकू से किए गए 20 घाव थे जिनमें से 17 उसकी खोपड़ी पे थे और बाकी गर्दन और छाती पर थे। इसके बाद जब पुलिस ने सड़क पर बने खून के निशानों का पीछा किया जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा फैले हुए थे और एक घर के बाहर जाकर खत्म हुए और जब उस घर के अंदर जाकर देखा गया तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली जिसकी बॉडी पर 27 चाकू के घाव थे और इसके भी घाव सिर गर्दन और छाती पर पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आसपास की सड़कों पर घेराबंदी कर दी और जहां ये कत्ल हुआ वहां लोगों की भीड़ का जमाव लग गया ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद पुलिस को एक गवाह मिला जिसने बताया कि स्टेशन के बाहर जिस व्यक्ति की लाश मिली है उसका नाम टेंची हियोंग है और वो इस बुजुर्ग व्यक्ति टेन बुन सिन का बेटा है और उसने दावा किया कि मैंने सबसे पहले टेंची योंग को देखा था जिसकी गर्दन से खून बह रहा था और वो घर के बाहर गिर गया। तभी अचानक घर के अंदर से एक आदमी भागता हुआ आता है और कार में चढ़ता है और हियोंग के ऊपर से गाड़ी दौड़ाता है जिसे वो घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद एक 56 साल के एंथनी फैबियन ने कहा कि उसने भी उस कातिल को देखा था जो हियोंग को घसीटता हुआ ले गया और मैंने उस आदमी पर चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। बाद में ये दोनों गवाह इस मर्डर केस में गवाह बने। टेन बुन सिन एक कार वर्कशॉप के मालिक थे और आसपास के दोस्तों और पड़ोसियों ने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे जिन्हें सभी पसंद करते थे और इनका बड़ा बेटा हियोंग एक कंपनी में काम करता था जिसके 2 बच्चे हैं। इसके अगले दिन टोयोटा कैमरी कार यूनोस में एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी पाई गई जो टेन बुन सिन की थी। ये वही गाड़ी थी जिसने हियोंग को घसीटा था। इस कार के बारे में पुलिस को एक कारपेंटर ने बताया था जिसने खून में सनी कार के साथ उसका नंबर बताया। शुरू में पुलिस इस गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी लेकिन इसके अगले दिन 12 जुलाई 2013 को रॉयल मलेशियाई पुलिस ने एक 34 साल के व्यक्ति को एक रेस्टोरेंट से अरेस्ट किया जिसका नाम इस्कंदर बिन रहमत था जो एक बेडोक पुलिस डिवीजन में पुलिस ऑफिसर था। इसके बाद उसे मलेशिया से सिंगापुर वापस लाया गया। इस्कंदर के दोस्तों ने बताया कि वह एक मजाकिया इंसान था जिसने 1997 में सिंगापुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की और 1999 में सिंगापुर पुलिस में शामिल हो गया जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था जिसकी शादी 2003 में और 2005 में तलाक हो गया। तलाक के बाद वो फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करने लगा। उसने अपने घर और कार के लोन को कंप्लीट नहीं किया था। इस बीच उसे सलाह दी गई कि वो अपने बाकी के खर्चों को कम करके लोन को चुका सकता है जो उसकी सैलरी से ज्यादा थे और इस बीच बैंक के द्वारा दी गई लोन को चुकाने की टाइमलाइन भी खत्म हो गई और बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और इस फाइनेंशियल संबंधगी के कारण उसे पुलिस से डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद इस्कंदर पर 2 लोगों के मर्डर का आरोप लगा और इस्कंदर ने बताया कि नवंबर 2012 में टेन बुन सिन से उसकी पहली बार मुलाकात बेडोक पुलिस डिवीजन में हुई
जो पुलिस स्टेशन अपनी जमा राशि के कुछ पैसे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि टेनबोन सिंह के पास बॉक्स में बहुत सारे पैसे हैं। और इस बीच इस्कंदर ने अपने लोन को चुकाने के लिए टेनबोन सिंह के पैसों को लूटने की योजना बनाई। इसके बाद उसने 10 जुलाई 2013 को टेनबोन सिंह के पास एक पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के रूप में कॉल किया और कहा कि हमें सूचना मिली है कि आपकी तिजोरी को तोड़ा जाने वाला है, और टेनबोन सिंह इसकी इस बातों में आ गया। इसके बाद टेनबोन सिंह अपने बॉक्स को खाली करके इस्कंदर के साथ पैसों के बैग को लेकर घर पहुंचता है, और इस बीच इस्कंदर बैग को लेकर भागने की कोशिश करता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस बीच इस्कंदर उसे चाकू मार देता है और इसके बाद ह्योंग ये सब देख लेता है और इस्कंदर उसे भी चाकू मार देता है। इसके बाद गवाहों के मुताबिक वो ह्योंग को घसीटता हुआ ले गया और इन सब के बाद इस्कंदर ने बताया कि उसने चाकू और खून के कपड़ों को एक नदी में फेंक दिया था। इस बीच इस्कंदर ने कोर्ट में कहा कि उसका इरादा इन्हें मारने का नहीं था, ये सब गलती से हो गया। इस पे कोर्ट ने कहा कि उनके घावों को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें मारने का इरादा नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी माना और 4 दिसंबर 2015 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।